विकास किए जनता को भरोसा है कि नहीं? और जनता खुश है, जनता खुश है कि नहीं है? इस पर कभी विस्तार से बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी के आदेश पर आपके बीच जब हाजिर होऊंगा तो मैं अभी इतने से संतुष्ट होने वाला आदमी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि चंदौली जब तक हिंदुस्तान की 5 विकसित लोकसभा के अंदर, जैसे चंदौली उत्तर प्रदेश के अंदर 7 पिछड़े जिलों में चिन्हित कराया हूं, जब तक चंदौली जिला और चंदौली लोकसभा को हिंदुस्तान के सबसे 5 अगड़े जिले अगली लोकसभा में शामिल नहीं करा लूंगा तब तक मुझे चैन। और उसके लिए मुझे कुछ अलग से नहीं करना है। मेरे दिमाग में मेरे सहयोगी, मेरे पार्टी के पदाधिकारी, जिन लोगों ने पूरे 5 वर्ष मेरा साथ दिया, आप सब जनता के लोग, सभी पदाधिकारियों ने, बूथ अध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक के सभी ने मेरा हर मोड़ पर सहयोग किया। उन सबके परामर्श से, मीडिया के परामर्श से, मेरे मन में आप आश्चर्य कर जाएंगे, आप बोलेंगे, आपसे ज्यादा 10 प्लान बताऊंगा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या जरूरत है, मेरे दिमाग में क्या भरा हुआ, पूरी योजनाएं दिमाग के अंदर है। पर आपने देखा होगा कि किस गति से काम करता हूं, कि जब आपने देश में संसद में भेजा, केंद्र सरकार से मैंने काम शुरू किया, राज्य का अवरोध था, और जिस दिन राज्य का अवरोध खत्म हुआ, योगी जी की सरकार बनी, पार्टी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी दिया, हर मोड़ पर प्रदेश के सरकार में कहता गया कि प्रदेश अध्यक्ष की ड्यूटी कर रहा हूं, हमारे चंदौली को इस मामले में, इस मामले में, इस मामले में हमें मजदूरी चाहिए, मेरे चंदौली को चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का, और केंद्र सरकार के हमारे मंत्रियों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और इन 2 वर्षों में मैंने तूफानी गति से अनेक आपके काम किए।